गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है पूरे विश्व की, और आजकल 1 महीने 1.5 महीने से आपके देश भारत में और उत्तर प्रदेश में इसकी जो संख्या है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी के अनुसार उन्होंने बताया कि जो बच्चों का नुकसान हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाए। इसलिए रामाधार सिंह इंटर कॉलेज के जो अध्यापकगण हैं उन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड किया जाए। यूनिट प्रकाश का जो पहला पाठ है, प्रकाश का परावर्तक, गोली दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर में पहला हेडिंग है लाइट, प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील करके, जो हमारी आंखों को संवेदनशील करके सामने रखी हुई वस्तु दिखाई देती है। संवेदनशील का मतलब यह होता है कि वह आंख की जो मांसपेशियां होती है उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और जो प्रकाश होता है उसमें जो ऊर्जा की बात किया गया है तो जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को कहते हैं विकिरण, रेडियंट एनर्जी। क्या कहते हैं? रेडियंट एनर्जी कहते हैं। ठीक। जो इसका दूसरा हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, परावर्तन में और अपवर्तन में डिफरेंस होता है। परावर्तन में केवल एक ही माध्यम होता है क्योंकि दूसरा जो माध्यम होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अपवर्तन में जो होता है वह जो दोनों माध्यम होता है उन दोनों माध्यम देख सकते हैं, और उन दोनों माध्यमों को जो अलग करने वाला माध्यम होता है उसको कहते हैं पृथक्कारी माध्यम। तो जैसा कि हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पानी तार तल से टकराता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पानी तार तल से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराता है तो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में दो नियम है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में दो नियम है। पहला नियम क्या है? जो आपतित किरण होता परावर्तित किरण
तो प्रकाश का जो परावर्तन है उस प्रकाश के परावर्तन के संबंध में दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिनय। पहला नियम क्या है? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। तीनों किस तल पर होगा? एक ही तल पर। जैसे आपतित किरण हो गया या आपतन बिंदु हो गया और या विलंब हो गया, यह तीनों एक ही पॉइंट से टकरा रहा है। दूसरा कंडीशन, ये परावर्तित किरण हो गया या आपका विलंब हो गया और यह आपका आपतन बिंदु हो गया, ठीक। तो जो आपतन बिंदु होता है यह इन तीनों में कॉमन होता है। जो आपतन बिंदु होगा वह इन तीनों, जो आपने लिया हुआ है, जो आपतित किरण लिया हुआ है, जो परावर्तित किरण लिया हुआ है और जो आपने नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, यह तीनों जो है इस आपतन बिंदु से होकर के जाएगा। इसीलिए जो यह आपतन बिंदु होता है यह इन तीनों के लिए कॉमन पॉइंट है। दूसरा कंडीशन ये है इसका, कि दूसरा कंडीशन ये है कि जो आपतन कोण होता है, जो आपतन कोण होगा या आपतन कोण जो होता है वह सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है यह सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर। आपतन कोण सदैव जो है वह परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इसके बाद जो आपका हेडिंग है वह है प्रतिबिंब। इमेज, इमेज का मतलब ये होता है जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम लोगों का जो चेहरा है या जो बॉडी है वह सब उस कांच जो मिरर होता है उसमें दिखाई देता है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है कि किसी बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, इसके पश्चात परावर्तन के पश्चात, क्योंकि जब दर्पण से टकराएगा तो जो दर्पण आपका होता है वह एक परावर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। परावर्तन का क्या है? एक अच्छा उदाहरण है। तो जब आपतित जो किसी बिंदु से जब यह प्रकाश की किरण जाता है तो परावर्तन के पश्चात किसी माध्यम से टकराएगा तो परावर्तित हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात जिस निश्चित बिंदु से होकर जाता है, जिस निश्चित बिंदु से होकर जाता है अथवा जाता हुआ प्रतीत होता है, अथवा जाता हुआ प्रतीत होता है, तो उस निश्चित बिंदु को, जो वह निश्चित बिंदु होता है उस निश्चित बिंदु को दूसरा बिंदु बोलेंगे। और प्रकाश की किरण जिस पहले बिंदु से जाएगा तो यही जो दूसरा बिंदु होता है या पहले बिंदु का क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसमें दो कंडीशन आया है। एक कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि जो परावर्तित किरण है वह उस निश्चित बिंदु से होकर जा रहा है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो परावर्तित किरण है उस निश्चित बिंदु से होकर जाता हुआ प्रतीत होता है, उस निश्चित बिंदु से होकर जाता हुआ प्रतीत होता है। इसी वजह से जो प्रतिबिंब होता है आपका, जो इमेज होता है, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। क्यों? क्योंकि एक बार परावर्तित किरण इससे होकर के जा रहा है और दूसरी बार इससे होकर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक कंडीशन में होकर के जाएगा, जैसे अवतल दर्पण में लिया तो उससे होकर के जाएगा, लेकिन अगर हम लोगों ने उत्तर दर्पण ले लिया तो उससे जाता हुआ प्रतीत होगा। तो इसीलिए जो आपका इमेज होता है वह इमेज जो है वह दो प्रकार का होगा। पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आपका जो है, दूसरा आपका जो है आपसी प्रतिबिंब। रियल इमेज पहला आपका है, रियल इमेज, और दूसरा आपका है वर्चुअल इमेज।
गंभीर एक्शन लिया गया है, लेकिन नेक्स्ट डे से आप लोगों का आधे घंटे या 40 मिनट का रेगुलर जो लेक्चर होगा वो आपको दिया जाएगा। आप जो है जो रामादास इंटर कॉलेज रामपुर धवन सिंह का यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद उस पर जो नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा और आप उस चैनल पर जितने भी लेक्चर हैं उस लेक्चर को आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और यदि लेक्चर में कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट होगा, वह डाउट आप अपने कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, तो यहाँ के जितने भी टीचर हैं जिस सब्जेक्ट के हैं वह सब्जेक्ट में आपको जो है वह क्लियर कर